हाई गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज जस्ट मैम। सो मॉल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है 11th क्लास का। इट इज़ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट हैज़ टू बी अप्लाइड एट सो मेनी प्लेसेस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉल कॉन्सेप्ट। बहुत सारे तरह के, बहुत सारे कैटेगरीज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मॉल के होते हैं, जो हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे विद द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट अहेड। ओके, तो जो फर्स्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, उसमें मैं रिलेशन देख रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल के बीच में, कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के, और अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट वी कैन सी हियर। ओके, तो बच्चों मैं आपको लॉन्ग रूट एंड शॉर्टकट दोनों बताने वाली हूँ। ओके, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। वी विल सी बोथ द मेथड्स। ओके, सो पार्टिकल्स वर्ड, व्हाई आई एम यूजिंग पार्टिकल वर्ड्स, बिकॉज सम सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड सम सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टिकल विच इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, लेकिन दिया क्या है? मॉलिक्यूल। तो बहुत इजी है, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो 0.1 मोल हमारे पास फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है वो हम सबसे पहले काउंट करेंगे। दैट इज वेरी इजी। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? सिंस ओके, हमको पता है कि 1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 6.022 × 10³³ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे जो 1 मोल फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। ओके, सो देयरफॉर 0.1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स वो किसके बराबर हो जाएंगे हमारे? 6.022 × 10³² डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। हालांकि ये डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे इस सॉल्यूशन को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.022 × 10²² फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 0.1 मोल में फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल कितने हैं ये हमने काउंट कर लिया। ओके, ये बहुत इजी कैलकुलेशन से, तो ये इजी हो गया, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ओके, सो नाउ सो लेट अस कंटिन्यू। अब देखो बच्चों, यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है? कि अगर आपको मोल्स पता है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी चीज के। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आपका फॉर्मूला आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10³² आ गया ना ये फॉर्मूला यहां से निकल कर। हमने यही तो किया है, जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे उसमें हमने 6.022 × 10³² का मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमको क्या मिल गए? फास्फोरस के मॉलिक्यूल। इसी फॉर्मूला को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एन, और इसको हम लिख देंगे हमारा एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो यहां से हमारे पार्टिकल्स निकल कर आ जाते हैं। और इसी फॉर्मूला से अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को शिफ्ट कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो राइट डाउन दीज टू फॉर्मूलाज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू राइट डाउन द फॉर्मूला। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, कि अगर हमें पार्टिकल्स निकालने हैं तो बहुत इजी है, जस्ट मोस्ट जो भी क्वेश्चंस में गिवन है उसमें एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन वाज व्हाट दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन P4। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एटम्स। सो नाउ कैलकुलेशन अब हमारी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमें यहाँ पे, बिकॉज क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 फॉस्फोरस के एटम आपको दिख रहे हैं P4। सो सिंस 1 P4 मॉलिक्यूल हैज
एटम्स ऑफ फॉस्फरस, ठीक है, देयरफोर इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 6.022 × 10^22 P4 मॉलिक्यूल्स विल हैव हाउ मच एटम्स, इट्स वेरी इजी, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10^23, है ना। एक बास्केट में चार एप्पल हैं, तो 10 बास्केट में कितना होगा, 10 × 4, यही करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज की है, एक फॉस्फोरस में चार एटम है, तो इतने सारे फॉस्फोरस में कितने होंगे, इस नंबर में चार का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 टू दिस एंड वी विल गेट आंसर, अगेन इजी कैलकुलेशन, वी विल हैव द आंसर 24.088 × 10^23 फॉस्फोरस एटम्स, ओके। So we have calculated that how many phosphorus atoms are present in 0.1 moles of phosphorus molecule. Question ऐसे भी आ सकता है कि calculate the phosphorus molecule only, तो हमारा answer यहीं पे stop हो जाएगा, और अगर बड़ा आता है तो हमें फिर atoms calculate करना मुश्किल नहीं है, पहले आप molecules calculate करेंगे and then it will be very easy to calculate the atoms. Okay, so this was the first question. You can write down the question. Or you can take the screenshot of the solution. Okay, bachcho. So, बहुत जल्दी हम next question देखते हैं. Next question भी इसी category का मैं लेने वाली हूँ, particle and mole के relation का. Then we will move towards the mass and mole. Okay? ओके बच्चों, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग 1.0 × 10^22 मॉलिक्यूल्स, ओके, तो हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला देख लिया है, ओके, सो लेट अस सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इफ वी नो द पार्टिकल्स इट्स वेरी इजी, ओके, number of moles is equal to number of particles divided by Avogadro's number, okay, let us put the values, so n is equal to number of particles given to us 1.0 × 10^22 and divided by Avogadro's number jo hamara kya hota hai 6.022 × 10^23, ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है इसे आपको कंप्लीट करना है और मुझे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके, आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके, इसकी कैलकुलेशन आप कंप्लीट करेंगे और इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे, ओके, सो वेरी सिंपली हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है एंड कैलकुलेशन कंप्लीट करके हमें आंसर निकालना है, ओके, so this is the next question, you can write down or you can take a screenshot and then we will move towards the next question. All right students, now we will move towards the next category of the questions. What is the next category? We will see the relation between mole and mass. Okay, कि अगर हमें mass दिया हो तो हम मोल कैसे निकाल सकते हैं या फिर मोल दिया हो तो मास कैसे निकाल सकते हैं, ओके, तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो इस चीज से डील करेगा, ओके, तो उसमें भी लॉन्ग रूट देखेंगे एंड देन वी विल सी द फॉर्मूला लाइक दिस द शॉर्टकट मेथड, ओके, सो लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन मोल एंड द मास. So this is our next question, calculate the number of moles in 7.85 gram of iron. Okay, so iron ka jo atomic mass hai, wo 55.8 hai, hum le lete hain yahan pe 56U. Okay, that is the atomic mass of iron. Okay, to ye hamara question hai, theek hai, hume iron de rakha hai, uska mass hume given hai, aur humko number of moles yahan par calculate karne hai. राइट, तो पहले लॉन्ग रूट देखते हैं फिर हम उस लॉन्ग रूट से फॉर्मूला निकालेंगे, ओके, सो लेट अस सी, तो यहाँ पे हमारा मास और मोल के बीच का रिलेशन सामने आ रहा है, ओके, सो सिंस
मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे पास 1 मोल की क्वांटिटी में है तो उसका जो वेट है, उसका जो मास है, वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। ओके, या फिर कोई भी चीज़ आपके पास ग्राम एटॉमिक मास में है तो उसके अंदर 1 मोल होते हैं। ओके, दैट इज द रिलेशन विच वी नो। सो सिंस वी नो दैट 56 ग्राम आयरन कंटेन्स 1 मोल, ठीक है, 56 ग्राम आयरन क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो देयरफॉर 7.85 ग्राम ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू व्हाट। ओके, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगर हमारा 56 ग्राम आयरन 1 मोल के बराबर है तो 7.85 ग्राम ऑफ आयरन हमारा किसके बराबर होगा। ओके, तो 1 × 7.85 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 7.85 डिवाइडेड बाय 56। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा गिवन मास था उसको हमने मोलर मास से डिवाइड किया है, एज यू कैन सी। तो यहां से हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकल कर आता है, एक क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू, अगर हमें मास गिवन है किसी भी सब्सटेंस का तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास में मीन्स अगर हमारे पास एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जो भी हमारा गिवन मास होगा उसे हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा गिवन मास था 7.85 उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, जो हमारे आयरन का ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है, हमने उससे इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, राइट। तो यहां से कैलकुलेशन करके आप मुझे आंसर देंगे। ओके, यू विल गिव मी द आंसर, और आपका आंसर यहाँ पे 0.141 आना चाहिए। ओके, योर आंसर शुड कम 0.141, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा, मैनुअल कैलकुलेशन करनी बच्चों लोग, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, और आपका आंसर इतना आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम इसी कैटेगरी का देखेंगे। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, और उससे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन द कंडीशन इज दैट कि हम मिलीग्राम में इस यूनिट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हमें ग्राम में यूनिट को यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द कंडीशन हियर दैट वी हैव टू कन्वर्ट द मिलीग्राम इनटू ग्राम्स। ओके, एंड एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 28 U, ठीक है, जो सिलिकॉन का एटॉमिक मास है वो 28 होता है। बच्चों जनरली इस तरह के न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, बट फिर भी जो जनरल एलिमेंट्स हैं उनके हम लर्न कर ले तो अच्छी बात है। ओके, सो नाउ लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट मिलीग्राम इनटू ग्राम। ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन गिवन। ओके, सिलिकॉन इज इक्वल टू 4.68 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 10^-3 का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मिली को जब हम चेंज करेंगे ग्राम के अंदर तो वी विल मल्टीप्लाई 10^-3, सो इट विल बी इक्वल टू 4.68 × 10^-3 ग्राम। ओके, सो वी हैव कन्वर्टेड द मास इनटू ग्राम एंड नाउ वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉट मोलर मास।
So let us put the values. So what is given mass? Given mass is 4.68 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम. एंड वॉट इज मोलर मास, यहाँ पे मैं यूनिट भी रख के सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको. तो क्या हो जाएगा अपना, दैट इज 28 ग्राम पर मोल. ओके, तो जब हम ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो 4.68 इंटू 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 28 मोल. तो ये बच्चों अब आपको आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, कंप्लीट द सोल्यूशन एंड सेंड मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ठीक है, इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे. राइट, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस लास्ट वैल्यू. ओके, एंड वी विल गेट द आंसर. ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला. कभी भी अगर आपको मास गिवन है तो हम हमारी जो एंटाइटी है, जो हमारा मास है, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. वी विल जस्ट डिवाइड विद द मोलर मास. ऑलराइट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. Alright students, so let us see the next question and that will be a homework question for you. Okay? That is, calculate the number of moles in 65.6 microgram of carbon. Okay, this is your question. Calculate the number of moles in 65.6 microgram of carbon. और carbon का जो atomic mass है, वो आप सबको याद हो जाना चाहेंगे. Atomic mass of carbon is equal to 12 mu. Okay, so let us first of all we have to convert this microgram into gram. Okay, that is very important क्योंकि हमको जो unit है वो gram में ही use करनी है. Right? So 65.6 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 65.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा. राइट, 10 की पावर माइनस 6 ग्राम. ओके, तो जो माइक्रो को जब हम चेंज करेंगे ग्राम में, तो वो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव कन्वर्टेड इंटू ग्राम्स एंड नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो लेट अस पुट द वैल्यू, एन इज इक्वल टू 65.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 12 ग्राम एंड इट इज ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कैंसिल, सो 65.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 12 मोल्स. ओके, सो यू कैन इजिली कंप्लीट द कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट द आंसर. That how many moles of carbon are present in 65.6 microgram of the carbon. Okay, so this is the relation between mass and mole. ठीक है, अगर आपको mass given है तो आपको simple सा एक formula apply करना है. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. Okay, और इस formula में direct value put करके आपको answer निकालना होता है. Alright students, so I think ये आज के लिए बहुत है. ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हम देखने वाले हैं वॉल्यूम के रिलेशन से. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड द मोल. ठीक है, तो वॉल्यूम वाले न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट देखेंगे दो तीन नेक्स्ट वीडियो के अंदर. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच आर द एप्लीकेशन ऑफ मोल्स ओनली. ओके, मतलब मोल का ही आप उसे कंटिन्यूट पार्ट मान सकते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड ये आंसर्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए. बाय बाय.